अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो इजी है, वो आप खुद कर लेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है। तो हमें ए बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो हमने ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज वेरीफाई करना है, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इसमें वैल्यू पुट करते हैं ए बी की। ए की वैल्यू है 1201 माइनस बी की वैल्यू है 1120 और फिर इसका ट्रांसपोज। इसी तरह से अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 इसका ट्रांसपोज। और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 0 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज पहले लेंगे, माइनस बाद में करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2 और फिर 0 1 0 1। इसी तरह बी का ट्रांसपोज होगा, माइनस बी का ट्रांसपोज होगा 1 1 1 1 2 0 2 0। तो अब हम इसको माइनस करेंगे इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स जो है वो माइनस करेंगे। तो ये 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम दोनों आंसर्स को टैली करेंगे, क्या वो एक जैसे हैं। इस आंसर की फर्स्ट रो है 0 माइनस 2, इधर भी 0 माइनस 2, इधर सेकंड रो 1 1, इधर भी 1 1, लिहाजा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही हुआ, राइट हैंड साइड का भी आंसर वही हुआ। तो लिहाजा साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अच्छा, इसी तरह हम नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 3 प्रूव करेंगे। पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होता है। तो पार्ट नंबर 3 है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, इससे पहले आप डेफिनेशन पे थोड़ी सी नजर डालें। डेफिनेशन ये थी कि जो भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ हो उस मैट्रिक्स की आपका आप ट्रांसपोज लें तो आंसर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए। तो इस ये कंडीशन थी, तो फिर वो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो अब क्योंकि हमने इसको सिमेट्रिक शो करना है तो पहले हम ये वाली चीज पैदा करेंगे। तो हम पहले इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल ए की वैल्यू है 1 2 0 1, उसके बाद प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 2 2। बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां तक सॉल्व करने के बाद छोड़ आते हैं, हालांकि यहां तक गलत है, आपको बड़ी मुश्किल से 2 में से 1 मार्क मिलेगा। तो इसके लिए अभी हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो इस तरह हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज फिर इस पूरे का ट्रांसपोज। अच्छा, इस पूरे ट्रांसपोज क्या आएगा, हम इसके आंसर का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे,
सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वैसे का वैसा ही है, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर फिर वही ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो हमने जिसका ट्रांसपोज लिया आंसर फिर वही आ गया, तो लिहाजा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 एंड 5, ये इजी हैं, एक जैसे हैं, आप खुद करेंगे, आपके लिए असाइनमेंट है। तो मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूं, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसको हमने शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स तो नहीं आता, अलबत्ता अगर माइनस कॉमन लें तो फिर वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये कंडीशन थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम इसको साबित करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, बी माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हम बी मैट्रिक्स पुट करेंगे 1 1 2 0, उसके बाद माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको हम माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, इस तरह 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 0 माइनस 0 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि जिसको हमने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक शो करने हैं तो उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो b माइनस b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल, अब इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 0 माइनस 1 और फिर 1 0। अच्छा, अब ये चेक करें कि ट्रांसपोज लेने के बाद क्या ये उस जैसा है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब हमने इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाता है, माइनस कॉमन ले लें तो हर एंट्री का साइन तब्दील हो जाएगा, जीरो का साइन चेंज भी कर दें तो जीरो ही रहती है, तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब चेक करें, अब इसका आंसर ओरिजिनल जैसे, तो ये किसके इक्वल है, इसके, यानी ये माइनस तो पड़ा हुआ है, ये किसके इक्वल है, बी माइनस बी ट्रांसपोज की। तो इस साइड पे क्या था, इसका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, वो था बी माइनस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज था, यानी हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो आंसर में क्या आ गया, वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, यानी वही आंसर आ गया जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो इस और माइनस भी कॉमन लिया है, जब माइनस कॉमन लें तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि माइनस कॉमन लें तब वो ओरिजिनल जैसा बने, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों इस तरह से हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3 खत्म हुई। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दो मैट्रिसेस को हम उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए के कॉलम की तादाद और बी के रो की तादाद बराबर हो। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वन कोई भी ले ले, 1 2 3 0 ले लेते हैं, 1 2 3 0, इस तरह से कोई भी आप मैट्रिक्स ले लें, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। तो बी कोई भी मैट्रिक्स ले लें, बी ले लेते हैं हम 4 1 ले लेते हैं। तो अब हमने चेक ये करना है कि क्या इनके कॉलम्स की तादाद इनकी रो की तादाद के बराबर है। इसमें कॉलम है 1 2, इसमें रो है 1 2, लिहाजा इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रो की तादाद के बराबर है, तो लिहाजा हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साबित ये हुआ कि
दो मैट्रिक्स को सिर्फ उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और बाद वाले मैट्रिक्स की रॉ की तादाद के बराबर हो। अच्छा बच्चों, ये हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में। एक पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, उसमें हमने पढ़ा ये था इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए बी कोई दो मैट्रिसेस हो और उनका ऑर्डर सेम हो तो उसके लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये था एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो आज हमने पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम ये साइन को हटा दें, एडिशन को, एडिशन सारे हटा दें, तो ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि दो वैल्यूज के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था पीछे कि कम्यूटेटिव लॉ ये था कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हों तो उसके लिए उनका ऑर्डर भी सेम हो, तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि ए बी इक्वल बी ए, ये हमने पढ़ा था। लेकिन वो सिर्फ ये सिर्फ एडिशन में होल्ड करता है, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। मतलब यहाँ अगर हम प्लस की बजाय मल्टीप्लीकेशन लगा दें तो ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ये होल्ड नहीं करता। बच्चों, नेक्स्ट हम मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें पेयर ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने ये चेक करना है कि क्या ये पेयर ऑफ मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या चेक करना है, हमने इसके लिए ये चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के बाद वाले मैट्रिक्स के रॉ की तादाद के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि पहला ये पेयर जो दिया हुआ है, इसमें कॉलम पहले वाले के कॉलम चेक करेंगे, इसमें कॉलम 2 है और इसकी रॉ भी 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस। इसी तरह से इसको हम चेक करेंगे, इसमें कॉलम्स की तादाद भी 2 है, रॉ की तादाद भी 2 है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें कॉलम्स की तादाद 1 है जबकि रॉ की तादाद 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस मैट्रिसेस में कॉलम की तादाद 2 है और रॉ की तादाद भी 2 है, तो इस तरह इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके कॉलम्स की तादाद इसकी रॉ की तादाद के बराबर है। तो इस तरह आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।